मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में अलग अलग जिले के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र पूरे प्रदेश में निवेश के लिए सबसे अच्छी और बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। ग्वालियर शहर देश की राजधानी नई दिल्ली के नजदीक होने के साथ साथ उत्कृष्ट हवाई, रेलवे और सड़क सेवाओं से पूरे देश से जुड़ा है। हमें भरोसा है कि ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से इस क्षेत्र के लिए बड़ा औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो बीहड़ है उनमें रक्षा उत्पादन से संबंधित इकाइयां स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अंचल में रक्षा उपकरण से संबंधित इकाइयों की स्थापना से उद्योग और तेजी से विकसित होगा। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित थे। मैं आज ग्वालियर में खास करके आगामी 28 तारीख को जो हमारी रीजनल समिट होने वाली उसके दृष्टि से आया था। मेरे साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी, हमने वर्चुअल रूप से ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में अभी वर्तमान के उद्योगपतियों से भी बात की है। उद्योगपति अपने इस इन्वेस्टर समिट में आकर के अपने वर्तमान के व्यवसाय को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, भविष्य की संभावना में नया काम भी वो करे, इस तरह का प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने इन्वेस्टर समिट के पहले वातावरण बनाने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए और जिला प्रशासन से उनका तालमेल हो जाए, इस दिशा में वर्चुअल मीटिंग की थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा वर्तमान का समय जिस प्रकार से हमने शुरुआत की थी, हमारी अलग अलग संभागीय बैठकें होती जा रही है और जिस ढंग का समर्थन मिल रहा है पूरे देश में और प्रदेश में दोनों स्तर पर समान रूप से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है ग्वालियर में आने वाले समय की 28 तारीख की इन्वेस्टर समिट अपनी इच्छित अभिच्छित जो हमारी भावना उसकी पूर्ति करेगी, बड़े पैमाने पे निवेश भी आएगा और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ पहले से जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको बढ़ावा दें, वो अपने काम को ठीक से कर पाए और प्रदेश और देश से आगे जा करके भी वो अपना निर्यात के लिए भी वो अपने प्रोडक्ट की स्थिति प्राप्त करे, साथ ही साथ बाहर के लोग भी आकर इन्वेस्ट करें। और ग्वालियर तो वो सबसे अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है जहाँ तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी, जल मार्ग छोड़ दें अगर, लेकिन हवा, सड़क और रेल तीनों तरह से यहाँ पर आने जाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापारी व्यवसाय की गुंजाइश है। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्वालियर की ये समिट बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ खास करके डिफेंस के क्षेत्र में ये जो बीहड़ वाला बेल्ट है ये भी अच्छी संभावना का है। हमारा चंबल एक्सप्रेसवे की गति भी तेज बढ़ी है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरा आयोजन बहुत अच्छा है।